जहां एक ओर हिमाचलियों को घर लाने की व्यवस्था की गई, वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से काम करता हुआ दिखाई दिया। चंडीगढ़ में आसपास के क्षेत्रों में फंसे हिमाचलियों के लिए रविवार का दिन राहत लेकर आया। जिन लोगों के पास घर वापसी के लिए कोई साधन नहीं था, उन्हें प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम की विशेष बसें लगाकर देवभूमि लाने का काम शुरू किया है। इस कड़ी में ऊना जिला में 5 बसें पहुंची, जिनमें 132 लोगों को लाया गया। सभी की SI अस्पताल में स्क्रीनिंग करवाई गई, साथ ही सभी को क्वारंटाइन भी इस दौरान किया गया है। 5 बसेस आ रही हैं, हिमाचल भवन चंडीगढ़ से रवाना हुई है। इसमें 132 हमें कन्वेयर है कि 132 लोग आ रहे हैं, जिसमें बच्चे हैं, कुछ और भी होंगे उनके साथ। मैं 132 कन्वेयर यहाँ बैरियर के लिए जो हमारा मेट्रो बैरियर वहाँ एंट्री करके, तो साथ ही हमारा ESI डिस्पेंसरी है, यहाँ मैंने प्रबंध किया। डॉक्टर्स की टीम तैनात है, वो भी टेस्ट करेंगे। और उसके बाद जो हमारा यहाँ क्वारंटाइन सेंटर हमने रखे हैं, MC हॉल, प्रिंसिपल कमिटी हॉल और सत्संग ग्रुप भवन, और साथ ही कुछ लोग हम नवीट रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स कहेंगे कब तक रुकना, कैसे रुकना, हम उनके एडवाइस। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए भी पुख्ता इंतजाम किए गए, शेल्टर होम में रहने की व्यवस्था की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट होकर काम कर रहा है और हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। CMO ऊना डॉक्टर रमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 16 केस सामने आए थे, जिनमें से अब केवल एक केस एक्टिव बचा है। जो बसें आ रही हैं, जो बाकी कांगड़ा और हमीरपुर और मंडी की बसें हैं, वो तो सीधी चली जाएंगी यहाँ से। बाकी हमारी जो ऊना की बसेज हैं, जो 5 बसें आ रही हैं, उनको हम जो है अपना ESI महतपुर में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी की स्क्रीनिंग के बाद जो है उनका टेस्टिंग करेंगे, हम रैंडम टेस्टिंग करेंगे, और जिनको कोई लक्षण है उनकी भी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद इन बच्चों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जब रिपोर्ट आ जाएगी टेस्टिंग की, अगर नेगेटिव आती है, इन बच्चों को घर में भेज दिया जाएगा। चंडीगढ़ से हिमाचलियों के लिए राहत की बसें चलाई गई। इस कड़ी में जिला ऊना में 5 बसें पहुंची, जिसमें करीब 132 यात्री जिला ऊना में पहुंचे।